वेलकम आपका आज के स्टूडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैजिक वी के बारे में। मैजिक वी दैट मींस कि टारगेट ऑफ द मार्केट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस चीज के बारे में क्लियरली नॉलेज ले लेते हो तो फिर आपको फिर इसके बाद कोई भी चीज आप यूज करोगे, वो चाहे कैनलिस्टिक साइकोलॉजी हो, प्राइस एक्शन हो या इंडिकेटर, नेक्स्ट लेवल रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो जाके चेकआउट जरूर करिए। कंप्लीट बेसिक से एडवांस आप लोगों के लिए ट्रेनिंग सीरीज हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि सीरीज का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टारगेट ऑफ द मार्केट के बारे में और मैजिक वी के बारे में। तो एक्चुअली क्या होता है टारगेट ऑफ द मार्केट, हम डिटेल में बात करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज आप मॉर्निंग में निकलते हो 10 साढ़े 10 बजे घर से ऑफिस के लिए, या फिर आप कॉलेज जाते हो तो घर से कॉलेज के लिए निकलते हो। तो आप जिस रूट में जा रहे हो, लेट सपोज मान के चलते हैं कि बीच रास्ते में एक ऐसा ट्रैफिक जाम हो जाता है जहां पे लगता है आपको कि 1-2 घंटे समय लगा सकता है, तो वैसे केस में क्या करोगे? आप यू टर्न लोगे, कोई दूसरा रास्ता ढूंढोगे और आप ऑफिस जाओगे। सेम उसी तरीके से जब आप ऑफिस से घर आओगे तो उस रास्ते में हो सकता है रोड बंद हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, रोड में काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तो वो बंद है। तो वैसे केस में क्या होगा कि आप घर नहीं आओगे क्या? नहीं, आप क्या करोगे? यू टर्न लोगे, कोई दूसरा रूट पकड़ोगे और फिर आप अपने घर आओगे। सेम मार्केट का भी यही फंडा होता है। मार्केट का भी अपना टारगेट होता है, जैसे हर एक इंसान का अपना एक गोल होता है, एक विजन होता है कि मुझे ये चीज अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है। तो उसी तरीके से मार्केट का भी एक टारगेट होता है कि मुझे यहाँ तक जाना है। उसी को कहता है टारगेट ऑफ द मार्केट या फिर मैजिक वी कहते हैं। जैसे अब आप लोग यहाँ पे सामने स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर हम लोग ईयू और जीबीपी के मार्केट में है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर आप लोग देखोगे मार्केट को तो क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, देखो सबसे पहले आप ध्यान से समझो, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ से शुरू हो गया मार्केट, देखो किस तरीके से नीचे आया, नीचे आया था यहाँ तक। अब यहाँ तक नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर उठा, तो ऊपर कहाँ तक जाएगा? एटलीस्ट इसको यहाँ तक मैजिक वी को कंप्लीट करना होगा। दिस इज द टारगेट ऑफ द मार्केट। और मार्केट अगर यहाँ से मूव कर रहा है तो इधर यहाँ तक इसको जाना ही पड़ेगा। तो इसको कहते हैं टारगेट ऑफ द मार्केट की मार्केट अगर मान के चलते यहाँ से ऑफिस, मतलब घर से ऑफिस आया हुआ है तो ऑफिस से घर भी जाना पड़ेगा इसको, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वहां तक जाना ही पड़ेगा। इसी को कहते हैं मैजिक वी। तो मैजिक वी को कंप्लीट करना मार्केट की नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान से समझो, जब आपने इस तरीके से देखा कि भी मार्केट यहाँ से नीचे आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से जब नीचे आया, यहाँ से मार्केट जब रिवर्सल दे रहा, तो अब रिवर्सल देने के बाद आप देखोगे नीचे की मैजिक भी कंप्लीट हुआ, छोटा सा कभी होगा कभी नहीं होगा, फिर मार्केट ऊपर चला गया, अगर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे फिर ऊपर। आप देखोगे कि जब मार्केट एक वी को कंप्लीट करने जाता है, मतलब कि टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जाता है, तो वैसे केस में मार्केट में जितनी भी सपोर्ट लेवल होगी, अगर ऊपर साइड में जा रहे तो मार्केट में जितनी भी सपोर्ट लेवल होंगी वो सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली वर्क करेगा। लेकिन अगर बात करें रेजिस्टेंस लेवल की तो उसका ब्रेक होना निश्चित है। जैसे आप देखोगे तो मार्केट जब एक टारगेट से दूसरे टारगेट में जाता है तो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, उस टारगेट को कवर करते हुए जाते हैं। तो जैसे आप देखो यहाँ से मार्केट आ रहा है और इधर अभी ऊपर जा रहा है, तो आप देखोगे तो छोटे छोटे टारगेट, टारगेट 1 था, ये टारगेट 2 था, फिर टारगेट 3 यहाँ पे आया, ठीक है। तो आप देखोगे तो छोटे छोटे टारगेट मार्केट ने बनाया हुआ है और उस टारगेट को देखो मार्केट कैसे कवर कर रहा है। कवर करने के साथ साथ मार्केट उस टारगेट को ब्रेक भी करा है। देखो यहाँ पर इसने ब्रेक करा हुआ है इस टारगेट को, फिर यहाँ पर इसने ब्रेक करा और फिर यहाँ पर, मतलब कि ये है कि जब मार्केट अपना टारगेट कवर करने के लिए एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट देखो इस तरीके से नीचे आया था अब ऊपर जा रहा है, तो वैसे केस में रेजिस्टेंस का टूटना निश्चित है क्योंकि मार्केट का टारगेट अपसाइड का है। लोग आपको सिखाते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल आएगा, डाउन का ट्रेड ले लो, सपोर्ट लेवल जाएगा, अप का ट्रेड ले लो। अरे भाई मैजिक वी की प्रायोरिटी सेट करो कि मैजिक वी कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो, मतलब कि यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर जा रहा है और आप इसको रेजिस्टेंस लेवल मान के यहाँ पे डाउन का ट्रेड ले रहे हो, तो आप फंसोगे ही, आपका नुकसान होगा क्योंकि उसको ऊपर जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ही करेगा। बट अगर आप यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे ट्रेड लोगे तो क्या होगा, आपका ट्रेड विन होगा क्योंकि आपको पता है मार्केट का टारगेट तो अपसाइड का है, मार्केट को मैजिक वी को कंप्लीट करना है ऊपर के साइड। सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी ऊपर गया, देखो यहाँ इस तरीके से ऊपर गया, अब मार्केट नीचे आया, देखो इनकम्प्लीट मैजिक भी हुई थी, मैजिक भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर ऊपर गया, आखिर में नीचे आया कि नहीं आया? तो जब मैजिक भी इनकम्प्लीट है तो वैसे केस में अपर साइड की मैजिक भी कम्प्लीटेशन पे हम लोग डाउन का ट्रेड ले लेंगे, और जब मार्केट में मैजिक भी ऊपर के साइड कंप्लीट करता है तो लोअर साइड मैजिक भी की कम्प्लीटेशन पे हम लोग रिवर्सल का ट्रेड प्लान करेंगे। आपको ये समझना है कि लोग आपको नॉलेज देते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई मैजिक भी कंप्लीट होता है यहाँ पे डाउन का ट्रेड ले लो, ठीक है, अगर मैजिक भी डाउन साइड में कंप्लीट होता है अपर ट्रेड ले लो, बट भाई ऐसा नहीं होता है, आपको टारगेट देखना पड़ता है, एक टारगेट के बाद दूसरा टारगेट, दूसरे के बाद तीसरा टारगेट, इस तरीके से आपको टारगेट नजर आता है। जैसे आप देखो यहाँ से मार्केट आया हुआ है तो टारगेट देखेंगे तो पहला टारगेट मार्केट का ये होगा, फिर दूसरा टारगेट ये होगा, फिर तीसरा टारगेट ये है,
फिर चौथा टारगेट ही है, फिर पांचवा टारगेट ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैजिक वी कंप्लीट करने के लिए टारगेट है ये, टारगेट T1 T2 T3 करके टारगेट है। तो क्या होगा, देखो जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिया, पहला टारगेट इसने कवर किया, पहला टारगेट को ब्रेक करा क्योंकि ऊपर दूसरा टारगेट है, तो ये उसको भी कवर करने जाएगा। देखो गया कि नहीं गया। तो अगर पहले टारगेट कंप्लीट होने पर आप रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हो तो आप फंसोगे, फंसोगे। आप कहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हो, अल्टीमेट टारगेट आपका कवर हो तब आपको रिवर्सल का ट्रेड प्लान करना है। अदरवाइज क्या करना है, नीचे की साइड से सपोर्ट लेवल पे आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि आपको पता है मार्केट का डायरेक्शन कौन सा साइड का है। तो आपको ये समझना है कि मैजिक वी की एक प्रायोरिटी होती है, एक डायरेक्शन होता है कि वो कौन से तरफ की मैजिक वी को कंप्लीट करेगा। जैसे आपको मैं यहाँ पे छोटे से एग्जांपल से समझाऊं, तो लेट सपोज एक मार्केट इस तरीके से ऊपर गया था, ठीक है। अब मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के बाद ये ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, ओके। तो ऐसे केस में देखो, नीचे आया तो यहाँ पे मैजिक वी की कंप्लीटेशन पे अगर आप लोग अपसाइड का ट्रेड ले रहे हो तो आप बिल्कुल फंसोगे, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट का मेन डायरेक्शन तो डाउन साइड का है और आप यहाँ पर अप का ट्रेड ले रहे हो, तो ऐसे केस में तो आप फंसोगे निश्चित। बट अगर ये मार्केट फिर नीचे आके फिर ऊपर जाता है और इस मैजिक वी को कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेना आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप मार्केट में मैजिक वी के डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड प्लान कर रहे हो। सेम इसी तरीके से अगर मैं बताऊँ अपसाइड के मार्केट के लिए, तो देखो अगर कोई मार्केट है जो इस तरीके से डाउन आया हुआ था, ठीक है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद नीचे आया, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो ऐसे केस में मैजिक वी की कंप्लीटेशन पे ट्रेड ले रहे हो आप डाउन साइड का, तो आप बिल्कुल फंसोगे और आपका नुकसान होना निश्चित है। लेकिन अगर ये मार्केट इस तरीके से ऊपर जाकर फिर से ये नीचे आता है, तो यहाँ पर अगर मैं आपका ट्रेड लूंगा तो बिल्कुल जेन्युइन और सही रिजल्ट मुझे मिलेगा, क्योंकि मार्केट का मेन डायरेक्शन भी अपसाइड का है। तो मैजिक वी की कंप्लीटेशन पे कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ नहीं लेना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप जब देखते हो एक मार्केट को, तो मार्केट में अलग अलग टारगेट होता है, टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3। तो आप देखो कि पहली चीज लेफ्ट साइड के मार्केट को देखकर राइट साइड के मार्केट में टारगेट की अंदाजा लगाओ कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, उसके हिसाब से आपको टारगेट प्लान करना होता है। तो उसके हिसाब से आपको पता है कि अगर मार्केट नीचे आया है और नीचे से ऊपर जा रहा है, तो पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, टारगेट ऊपर का है, तो रेजिस्टेंस लेवल को तो टूटना ही टूटना है, वो निश्चित है। तो वैसे केस में अगर डाउन साइड का ट्रेड लोगे फंसोगे ही फंसोगे, बट अगर वहीं पे आप सिर्फ सपोर्ट लेवल पे फोकस करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मार्केट में ऊपर जाके फिर नीचे आता है मार्केट, तो ऐसे केस में क्या होता है कि भी पता है मार्केट का टारगेट डाउन साइड का है, तो वैसे केस में सपोर्ट लेवल पे ट्रेड लोगे तो नुकसान होना निश्चित है ही है। लेकिन वहां पर अगर अपसाइड का ट्रेड लोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट, सॉरी डाउन साइड का ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट को, तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये आपका एक टारगेट है, ये देखो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है कि नहीं है, है ना, डेफिनेटली सपोर्ट है। अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो अगर आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड ले लोगे, ये देखो पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है ये, तो अगर आप यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड लोगे तो फंसोगे कि नहीं फंसोगे, आपको लगेगा यहाँ पे आपका है ऊपर जाना चाहिए। बट आपको ये देखना है कि मार्केट में मैजिक भी तो नीचे की साइड है, कंप्लीट है, तो जब तक इसको कंप्लीट नहीं करेगा रिवर्सल क्यों देगा, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे नुकसान उठा बैठोगे। तो आपको ये देखना है कि मार्केट में मैजिक भी कौन से डायरेक्शन में आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है। आपको पहले टारगेट सेट करना है, क्लियर टारगेट सेट करना सीखना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट सही मिलेगा। इसके बाद आप किसी भी चीज पर काम करो, आप ट्रांजेक्शन पे काम करो, कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी पे काम करो, या वट एवर कोई भी चीज पर, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। जैसे आप देखो इसको, देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये पहला टारगेट नंबर 1 है, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे देखो आप, ये पहला टारगेट नंबर 1 हुआ, ठीक है, ये आपका पहला टारगेट नंबर, सेकंड टारगेट नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो मार्केट जब यहाँ से इस तरीके से आया, ये ऊपर जा रहा है, तो टारगेट नंबर 1 पर मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया, टारगेट नंबर 2 पे रिवर्सल दिया। तो टारगेट नंबर 1 पे अगर आप डाउन का ट्रेड लोगे फंसोगे आप इसको रेजिस्टेंस मानोगे, ट्रेड लोगे फंसोगे आप, आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना, आपको मेन टारगेट पे ट्रेड लेना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे जाता है तो वैसे केस में सपोर्ट लेवल पे ट्रेड ना लेकर रेजिस्टेंस पे लेना है, और जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस पे ट्रेड ना लेकर सपोर्ट पे लेना है। बस इतना सा चीज आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि अब आप इसको देखो, अगर आप इस मार्केट को देखोगे तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि भाई मार्केट है, मैजिक वी को देखो आप, मैजिक वी किस तरीके से काम कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट को, तो ये मार्केट यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ तक ऊपर गया, अब मार्केट नीचे आ रहा है, तो कहाँ तक, यहाँ तक नीचे आना चाहिए। तो देखो मार्केट यहाँ तक नीचे आना चाहिए, तो देखो यहाँ से जैसा भी था रिवर्सल बार बार किया, फिर नीचे आया, फिर रिवर्सल, फिर नीचे आया। तो आप ऐसे केस में रेजिस्टेंस लेवल बनाओ ना भाई, जहां जहां पर रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट में, वहां से रिवर्सल तो मिलेगा मिलेगा। देखो रेजिस्टेंस लेवल से एग्जैक्टली मार्केट नीचे आया है, लेकिन सपोर्ट लेवल पे सोचोगे कि मैं अपर ट्रेंड ले लूँ तो फंस सकते हो आप।
तो आपको ये चीज समझना है, मैजिक वी या टारगेट ऑफ द मार्केट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि ये बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है, इसको मैंने आपको जस्ट बेसिक चीजें समझाया है। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसको सीखना है, क्योंकि मैं आपको कहूंगा कि मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपको मैजिक वी का सही तरीके से नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से मार्केट का टारगेट आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरीके से मैजिक वी की प्रायोरिटी सेट की जाती है, अगर आपको इस चीज के बारे में पता नहीं है तो ट्रेडिंग आप नहीं कर पाओगे। इस चीज को ख्याल रखिए। तो अगर आप चाहते हो कि इसको किसके ऊपर और डिटेल वीडियो आपके लिए मैं बनाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए, तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फ्री के कंटेंट पहुंच सके, नॉलेज पहुंच सके और उनके लाइफ में कुछ वैल्यू एड हो पाए और ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से सीख पाए। एंड अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।